अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चार आसान से मटन रेसिपीज़। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बना के तैयार कर लेंगे मटन मसाला। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है हड्डी वाला गोश्त 300 ग्राम, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और ये है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। हरी मिर्ची है ये 4, और मुट्ठी भर पुदीना ले लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 5 टेबल स्पून। 5 कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे, तो टमाटर जो है बारीक काट लीजिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 ऐड कर लेंगे 1 ग्लास। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे, तो 10 से 12 सीटी होने तक पका लेंगे अब हम मटन को। टमाटर और मटन बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए 10 से 12 सीटी हो जाने के बाद में हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन मसाला 1 टीस्पून। तो आप चाहे कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं मटन मसाला। तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे मटन मसाला। और अब हम भून लेंगे इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। तो ये देखिए अब हमने मीडियम हीट पे सालन को अच्छे से भून लिया है 5 मिनट के लिए। तो ये जो मटन मसाला है ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और ये जो रेसिपी है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिए आप लोग। अब हम बनाएंगे अचारी गोश्त। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए लेंगे हम, ये है 1 किलो गोश्त। तो आप चाहे मटन का भी ले सकते हैं या फिर बीफ का भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। और इसको हमने अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक 2 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 1 कप ऐड करेंगे, यानी कि चाय के कप से 1 कप ऐड कीजिए। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी ऐड करेंगे 1 कप। 1 कप पानी ऐड करके अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, यानी कि 30 to 35 विजल्स होने तक हमको ये पकाना है हाई हीट पे। तो ये देखिए 25 मिनट हो जाने के बाद में कुकर का ढक्कन निकाल लिया है और इसको अब हम फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद में ये देखिए अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से करी लीव्स और हरी मिर्ची। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़े से करी लीव्स, नींबू का निकाला हुआ रस ऐड कर लेंगे। 5 नींबू का निकाला हुआ रस है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू का रस ऐड कीजिए इसके अंदर। तो इसको अच्छे से मिलाकर अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और अब हम अचार मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम साबित धनिया 2 टीस्पून, साबित ज़ीरा 2 टीस्पून, साबित राई 1 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, मेथी के दाने 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम 1 मिनट के लिए लो हीट पे रख के। तो ये देखिए अब ये मसाला अच्छे से भुने गया। अब हम इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। और अब हम गोश्त को भगाने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 250 ml, लहसुन की पोतियाँ ऐड कर लेंगे 8 से 10, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई, थोड़े से करी लीव्स और हरी मिर्ची, 1 हरी मिर्ची है ये बारीक कटी हुई, लाल सूखी मिर्च ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिलाकर इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम पका हुआ मटन।
फ्लेम को लो कर लेंगे अब हम मटन ऐड कर लेने के बाद में। तो आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, इसको रोटी या तो चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। तो ये देखिए अचार मसाले का पाउडर हमने बना के तैयार कर लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे अचार का मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे इसके बाद में। तो ये देखिए अचारी गोश्त बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। अब हम बना के तैयार कर लेंगे काली मिर्च का मसालेदार गोश्त। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम बोनलेस मटन। तो मटन को अच्छे से धोकर अब हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। तो ये है 500 ग्राम्स मटन। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मुट्ठी भर कोथमीर और मुट्ठी भर पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्ची ले लेंगे, 200 ग्राम दही ऐड कर लेंगे और यह है साबित काली मिर्च 2 टेबलस्पून, शाजीरा 1 टीस्पून, 6 इलायची, 2 लौंग, पत्थर का फूल का 1 टुकड़ा ले लेंगे, साबित धनिया 1 टीस्पून ले लेंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो ये सब चीज़ों को अब हम पीस के पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये पाउडर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम ये सारा पाउडर गोश्त के अंदर ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कीजिए। 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। तो लगभग हम 8 से 10 सीटी होने तक पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लिया है। 8 से 10 सीटी हो जाने के बाद में 1 नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर और अब हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे लो हीट पे रख के। तो ये देखिए अब ये जो मटन है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ में। और अब हम बना के तैयार कर लेंगे भुना मटन मसाला। तो चलिए सबसे पहले अब हम प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और ये है बारीक कटी हुई प्याज 4 मीडियम साइज़ की। तो प्याज का कलर अब हम चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे इसको, यानी कि बादामी कलर आ जाना प्याज का जब तक हमको ये फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज का कलर बादामी हो गया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून। बोनलेस मटन ऐड कर लेंगे 400 ग्राम्स। अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन ऐड कर लेने के बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए अभी ये 5 मिनट तक भून लेने के बाद में इसके बाद में हमको ऐड करना है नमक ऐड कर लेंगे अब, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिए। टमाटर ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर को भी भून लेंगे 2 मिनट के लिए। कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, दही ऐड कर लेंगे अब, बारीक कटी हुई कोथमीर और 2 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, 1 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे इसके अंदर और अब हम कुकर का ढक्कन लगा के मटन को गलने के लिए रख देंगे। तो 10 से 12 सीटी होने तक पकाएंगे अब हम। तो इसको हाई हीट पे ही पकाइए। ये देखिए अब 10 से 12 सीटी होने के बाद में अब हमने कुकर का ढक्कन निकाल लिया है और इसको भून लेंगे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये जो मटन मसाला है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। तो आप इसको सर्व कीजिए
प्लेन राइस और रोटी के साथ में। तो आप लोग भी ये मटन के रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।